पंजाब के कैबिनेट मिनिस्टर नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू को चंडीगढ़ सीट से टिकट न देने को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गुरुवार को कहा, सिद्धू की पत्नी को चंडीगढ़ से टिकट न मिलने में मेरा कोई रोल नहीं है, सब कुछ पार्टी नेतृत्व तय करता है। इस पर सिद्धू ने कहा कि मेरी पत्नी सच बोलने का दम रखती है और कभी झूठ नहीं बोलती। दरअसल नवजोत कौर ने आरोप लगाया है कि उनका टिकट कैप्टन की वजह से कटा। अमरिंदर सिंह ने बताया, मेरा मानना है कि चंडीगढ़ सीट के लिए डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू से बेहतर प्रत्याशी पवन बंसल हैं। सिद्धू की पत्नी को अमृतसर और बठिंडा दोनों जगहों से टिकट का ऑफर दिया गया था, पर उन्होंने मना कर दिया। किस उम्मीदवार को कहाँ से चुनाव लड़ना है, इसका फैसला दिल्ली में पार्टी हाईकमान करता है। हाईकमान ने डॉक्टर सिद्धू को चंडीगढ़ से नहीं लड़ाने का फैसला किया। चंडीगढ़ पंजाब के अधीन नहीं है, ऐसे में वहां से कौन लड़ेगा कौन नहीं, इसका फैसला मैं नहीं करता। कैप्टन ने कहा कि अगर उन्हें चंडीगढ़ में डॉक्टर सिद्धू को लड़ाने के बारे में पूछा भी जाता तो वे है बड़ी साफगोई से पवन बंसल को ही वहां के लिए बेहतर कैंडिडेट बताते। चंडीगढ़ सीट पर भाजपा ने मौजूदा सांसद किरण खेर और कांग्रेस ने पूर्व रेल मंत्री पवन कुमार बंसल को मैदान में उतारा है। वहीं पार्टी ने अमृतसर सीट पर गुरजीत सिंह पर भरोसा जताया है। हार जीत के लिए सभी की जिम्मेदारी होगी, कैप्टन ने कहा। सभी मंत्रियों विधायकों के साथ वे भी पार्टी कैंडिडेट्स की हार जीत के लिए जिम्मेदार होंगे। पार्टी की परफॉर्मेंस अगर खराब रहती है तो वे बेहिचक कुर्सी छोड़ देंगे। पार्टी हाईकमान ने सभी विधायकों और मंत्रियों की जवाबदेही तय की है।